हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इसमें देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्लियर? तो रेजिस्टेंस की भाई जो वैल्यू होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। क्लियर? अगर मैं पहले देखूँ मेटल, अगर कोई भी प्योरली मेटल है, पहले मेटल का केस देख लेते हैं। ठीक है, मेटल कौन कौन सी हो सकती है? आपका कॉपर हो सकता है भाई, आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, सिल्वर हो सकता है, एक्सेट्रा, दीज आर द मेटल्स। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू है भाई, वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ प्योरली मेटल, क्लियर, उसमें क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। क्लियर? अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव हो, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस कम होती है। क्लियर? तो मेटल के केस में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस मेरी इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, दैट इज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, प्योरली मेटल या कॉपर के केस में बताइए जो रेजिस्टेंस का नेचर कैसा है, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? अगर मैं ओलाए की बात करूं, ओलाए में कौन कौन सी आती है भाई, जैसे आपका कॉन्स्टेनन हो गया और यूरेका हो गया और एक और होती है भाई आपके पास मैंगनीन। क्लियर? एक्सेट्रा। आप जब हम मेजरमेंट स्टडी करेंगे उसमें आपको ये तीनों अलाई आपकी यूज़ होती है, दैट इज यूज टू रिड्यूस द थर्मोकपल ईएमएफ। थर्मोकपल ईएमएफ की वजह से आपकी जो मीटर की जो रीडिंग है उसमें एरर आ जाता है, तो उसके लिए हम ये तीनों मेटल यूज़ करेंगे। क्यों यहाँ पे यूज़ करते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ अलाई आपका एक या दो मेटल से मिलकर बना होता है, कॉन्स्टेनन, ओरेका, मैंगनीन, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा रेजिस्टेंस में, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। जो इंक्रीमेंट होता है रेजिस्टेंस में भाई, वो वेरी स्मॉल होता है। इंक्रीमेंट जरूर होगी, लेकिन इंक्रीमेंट क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, दैट इज निग्लिजिबल, तो उसको निग्लिजिबल बोल सकता हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन आपकी थर्मोकपल ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो उस ईएमएफ का इफेक्ट यहाँ पे नहीं ज़्यादा होगा। क्लियर? किस केस में, ओलाई के केस में। क्लियर? तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, उसको मैं निग्लेक्ट मान के चल रहा हूँ। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ इन केस ऑफ ओलाई जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेट बाई कॉन्स्टेंट रहेगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ। क्लियर अ पॉइंट? तो तीसरा केस आपका आ जाता है भाई, अगर मान लीजिए कोई इंसुलेटर है या कोई सेमी कंडक्टर है या फिर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे इंसुलेटर में क्या आ गया आपके पास, कोई ग्लास आ गया, कोई प्लास्टिक आ गया, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन जिसमें से करंट पास नहीं होता, दैट इज इंसुलेटर। क्लियर? लेकिन सेमी कंडक्टर में कौन सा आता है भाई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बर्निश यूज करते हैं हम किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। क्लियर पॉइंट? उसकी वाइंडिंग के ऊपर बर्निश डालते हैं इंसुलेशन पर्पज के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मेरी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भाई वो डिक्रीज होगी। क्लियर? इन केस ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज़ भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके केस में होता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसकी केस में होता है, दैट इज प्योरली मेटल के केस में, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट भाई वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे हम रिलेशन निकालते हैं कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेरी रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा। क्लियर? तो देखिए इसको, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है
मान लीजिए कर्व है, मान लीजिए पहले एट मैं 0°C की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये है मेरी रेजिस्टेंस, ये मेरा मान लीजिए टेम्परेचर है, क्लियर। मान लीजिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो वेरिएशन इस टाइप से है, इनिशियली 0°C पे मेरी जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, क्लियर। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्लियर। मान लीजिए एट टेम्परेचर टी पे, जब मेरा टेम्परेचर 0°C हो गया, सेल्सियस हो गया, तो उस केस में जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो मान लीजिए RT आ गया, क्लियर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस कितना होगा, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस मतलब आपका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, पहले R0 था, R0 से कितना इंक्रीज हो गया भाई, RT, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना होगा, RT - R0, क्लियर। जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा भाई आपकी इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दूसरा वो डिपेंड करेगा भाई टेम्परेचर डिफरेंस, आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स मान लीजिए पहले 0 पे था, अब आप उसको 15°C पे ले गए, या मान लीजिए 20°C पे ले गए, जितना टेम्परेचर की जो डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा उतना ही मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। तो इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई, पहले 0 था, 0 से इंक्रीज करके कहाँ पे ले गया मैं, टी पे, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0°-0°, दैट इज नथिंग बट 0°। इसका मतलब ये हुआ RT - R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज अ टेम्परेचर, क्लियर। टी इज द टेम्परेचर, क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R0 का मतलब है भाई रेजिस्टेंस एट 0°C, RT का मतलब है भाई रेजिस्टेंस एट 0°C, क्लियर है पॉइंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्लियर। अगर इन दोनों रिलेशन से मैं देखूं, RT - R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 × T, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कोई अनदर कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ, α0 R0 T, क्लियर। तो α0 मेरा क्या है भाई, α0 इज टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन कहाँ पे, एट टी इज इक्वल टू 0°C, 0° टेम्परेचर के ऊपर जो अल्फा है दैट इज α0, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं एट एनी टेम्परेचर 0° पे रेजिस्टेंस निकालूं, रेजिस्टेंस एट 0°C इज, तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए भाई, RT - R0 दैट इज इक्वल टू α0 R0 × T, RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरफ चला जाएगा, R0 + α R0 T, तो R0 मेरा कॉमन आ जाएगा भाई, कितना बचेगा, 1 + α0 × T, दैट इज RT, क्लियर। तो क्वेश्चन में भाई ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा 0°C पे जो आपका रेजिस्टेंस है मान लीजिए 10 ओम है, अब टेम्परेचर इंक्रीज करके आपने 15°C कर दिया है, तो बताइए R15 की वैल्यू क्या होगी, R0 की वैल्यू, R0 मीन्स 0° पे जो टेम्परेचर था, R15 मीन्स रेजिस्टेंस एट 15°, वो आपने बतानी है, क्लियर। तो आपको α0 क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लियर है पॉइंट। तो R15 की वैल्यू कैसे आएगी, तो R15 दैट इज इक्वल टू R0 की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे रखेंगे, कितना गिवन है भाई, 10 गिवन है, 1 + α0 की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, और टी टेम्परेचर आपका कितना होगा 15, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरे पास न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्लियर है पॉइंट। तो RT की वैल्यू आ जाएगी भाई R0 1 + α0 × T। अब इस α0 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ फॉर कॉपर के केस में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि α0 की वैल्यू बताइए फॉर कॉपर, क्लियर। तो कॉपर के केस में भाई हम निकाल रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा भाई मेरा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर 2, तो RT की वैल्यू मेरे पास आई भाई RT = R0 1 + α0 × T, क्लियर है पॉइंट। तो भाई ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, RT = R0 α0 T + R0, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है Y = mx +
सी, वेयर सी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। जे किस पॉइंट पे कट करेगी भाई, सी पॉइंट पे, क्लियर। जे जो होती है आपकी हाइट, दैट इज सी, और एम क्या होती है इसकी स्लोप, एम इज द स्लोप ऑफ दिस, क्लियर। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सी इज द स्लोप, अब आगे देखिए, तो इसी इसी वेव फॉर्म में जे इसकी स्लोप हो जाएगी, क्लियर। और आर नॉट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मेरा आर नॉट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब इस कर्व को ऐसे बनेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये कर्व होती है इस पॉइंट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लियर है पॉइंट। अगर मैं इसको मीट कर दूं इस पॉइंट ए पे, अगर मैं कॉपर की बात करूंगा, कॉपर में जो ये वाला पॉइंट होता है ए, वो किस टेम्परेचर पे आता है, जो नीचे वाली एक्सिस टेम्परेचर होता है, दैट इज माइनस 234.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ए पॉइंट पे जो मेरा टेम्परेचर है भाई, दैट इज माइनस 234.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्चुअल में जो आपकी कर्व है भाई ऐसे जाती है, क्लियर। मान लीजिए पॉइंट बी है, बी पॉइंट से डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रेट लाइन है वो तो ऐसे ही जानी चाहिए थी, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो आपकी जो वेव फॉर्म है भाई कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर है पॉइंट। स्ट्रेट लाइन आएगी, बी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगी कभी भी वो रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, क्लियर। रेजिस्टेंस जीरो है ना इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है भाई, जीरो जीरो वाला, तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जीरो, आरटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्लियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये लाइन कभी भी इस पॉइंट को, ए पॉइंट को कट नहीं करेगी, जो बी से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर। जीरो नहीं हो सकती लेकिन वेरी स्मॉल हो सकती है, क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, आर टी की वैल्यू आपके पास आई थी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट टी, क्लियर। तो यहां से अल्फा नॉट की वैल्यू निकालिए जरा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा नॉट टी, तो अल्फा नॉट की जो वैल्यू आएगी आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई, ये फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा भाई, आर नॉट टी, क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट देखिए भाई क्या होगी। मुझे एक चीज बताइए, ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस है तो यूनिट क्या रहेगा, ओम। नीचे रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट भी क्या रहेगा, ओम। जो टेम्परेचर है ये किसमें है भाई, डिग्री सेल्सियस में, ओम के साथ ओम कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को नोट करके लिख लेना, दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज अल्फा, इज पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन आस्क होता है जेई लेवल में कि पर डिग्री सेल्सियस होते हैं किसके यूनिट भाई, आपके जो अल्फा होता है, अल्फा क्या मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है पॉइंट। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, एट पॉइंट ए आर टी की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरी आर टी मेरा जीरो है, क्लियर। और टी की वैल्यू कितनी है, माइनस 234.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो अल्फा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो अल्फा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जब कॉपर के केस में है याद रखना, दैट इज फॉर कॉपर, कॉपर में ए पॉइंट कब आता है, माइनस 234.5 डिग्री पे, क्लियर। तो आर टी कितना है, जीरो माइनस आर नॉट का आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट इंटू टेम्परेचर इज माइनस 234.5 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ ऊपर कितना बचा, माइनस आर नॉट, नीचे ये नेगेटिव आर नॉट इंटू 234.5 डिग्री, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 डिवाइड बाय 234.5 पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर। इसके यूनिट हो जाएंगे भाई पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है पॉइंट। तो अल्फा नॉट की वैल्यू दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री, क्लियर। तो इसकी वैल्यू भाई आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट करके लिखिए, तो अल्फा नॉट की वैल्यू फॉर कॉपर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 234.5 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट जीरो डिग्री
इज 1/234.5°C पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है पॉइंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा नॉट। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। क्लियर? आगे फिर हम देखते हैं भाई, जो आपका अल्फा है ये भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो डिपेंडेंसी ऑफ अल्फा भी देखते हैं टेम्परेचर के साथ कैसे होगी। अलग अलग टेम्परेचर के पे ऊपर आपका अलग अलग अल्फा आएगा, उसमें रिलेशन निकालेंगे। क्लियर? डोंट वेरी, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, लेवल हमारा ऐसा नहीं होता कि हम समझ पा रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्लोमा का जो स्टूडेंट होगा उसको ये समझ में कम आएगा। क्लियर? लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे वे में समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं समरी लिखूंगा, दैट इज सफिशियंट फॉर PSPCL JEE एग्जाम। क्लियर है पॉइंट? तो आगे देखते हैं भाई, डिपेंडेंसी ऑफ अल्फा ऑन टेम्परेचर। मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे पास RT आया था दैट इज इक्वल टू आर नॉट 1+ अल्फा नॉट टी। अगर मैं अल्फा नॉट की बात करूं तो ये आया था मेरे पास RT माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू टी। यहाँ पे अल्फा नॉट मैं क्यों यूज़ किया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बिकॉज मेरे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था भाई, इनिशियल टेम्परेचर आप ध्यान से देखिए वहाँ पे था 0°C, तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज़ किया, अल्फा नॉट। अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 होता तो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज़ करता भाई, अल्फा 1। क्लियर है पॉइंट? देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए इफ इनिशियल टेम्परेचर इज, अगर मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर इज 0°C, देन अल्फा इज अल्फा नॉट। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज T1, देन अल्फा इज अल्फा 1। क्लियर है पॉइंट? अब मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर मेरा 0° था, अब टेम्परेचर जो राइज हो गया मेरा T1 टेम्परेचर राइज हो गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना राइज होगा, उसको मैं R1 बोल दूं, दैट इज सेम रिलेशन होगा आर नॉट 1+ अल्फा नॉट, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर 0° है। यहां पे लिखिए इफ टेम्परेचर राइज टू T1°C, और इनिशियली जो टेम्परेचर है मान लीजिए 0°C है और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अप टू T1, तो उस केस में R1 आएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आपको पता है। तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो R1 का मतलब होगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। क्लियर है पॉइंट? तो R1 की वैल्यू हो जाएगी भी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, उसकी वैल्यू हो जाएगी आर नॉट 1+ अल्फा नॉट, टेम्परेचर कितना है भाई T1। यहाँ तक ठीक है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। अगर टेम्परेचर T1 है तो मैं वहाँ पे T1 पुट कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे टेम्परेचर T पे देख रहा था, ये टेम्परेचर मेरा किस पे है भाई, T1 पे ऊपर है। क्लियर है पॉइंट? तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अगर ये चीज़ मेरे पास मिल गया है तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मेरा टेम्परेचर T1 तक राइज कर गया तो रेजिस्टेंस R1 मेरी कितना राइज करेगी, इतना राइज करेगी। क्लियर है पॉइंट? अब मुझे अल्फा नॉट की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो, अल्फा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, R1 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई अल्फा नॉट T1। समझा इतनी बात? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे था मेरा 0° टेम्परेचर, उसको मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके कर दिया था T1, तो रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं ये रिलेशन मेरा कब कहां पे वैलिड है भाई, एट T=T1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कूल डाउन कर रहा हूं, कूल डाउन कर रहा हूं, और टेम्परेचर कहां पे लेके जा रहा हूं, 0° पे। क्लियर? पहले मैंने टेम्परेचर को राइज किया T1 पे लेके आया, अब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने का मतलब क्या, T1 से अब कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 0° पे। अगर मैं 0°C, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले कितना है भाई T1 और लास्ट में कितना आया 0, तो लास्ट माइनस पहले वाला, तो कितना बचेगा माइनस T1। तो इस केस में बताओ भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अब 0° पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, R0। ठीक है, R0 का मतलब था रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0°C, R1 का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल और मटेरियल एट टेम्परेचर T1°C। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब मैं 0°C पे आपका टेम्परेचर ले आया तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज R0। क्लियर है पॉइंट? तो R0 की वैल्यू क्या होगी, R1 1+
वहां पे टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग कितना होगा, मींस टेम्परेचर कॉफिशियंट कितना होगा भाई ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा वन, बिकॉज आपकी रेजिस्टेंस टी वन पे आ गया, अब अल्फा वन, हाँ जी आगे टेम्परेचर कितना है माइनस टी वन, तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है भाई माइनस टी वन, इसका मतलब आर नॉट इज इक्वल टू आर वन वन माइनस अल्फा वन टी वन, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर वन से जहां पहले जहां से अल्फा वन की वैल्यू निकाल लो, ये इधर से आएगा अल्फा वन टी वन आर वन, पूरा लिख देता हूं, आर नॉट इज इक्वल टू आर वन माइनस अल्फा वन आर वन टी वन, ये इस साइड लेके आओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो अल्फा वन आर वन टी वन दैट इज इक्वल टू आर वन माइनस आर नॉट, तो अल्फा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, आर वन माइनस आर टू डिवाइड बाई आर वन टी वन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर दो है, क्लियर। अगर मैं ध्यान से देखूं आर वन माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अल्फा नॉट, यहां पे मिस्टेक कर दी यार, यहां पे आर नॉट आएगा मे बी, हाँ जी यहां पे आर नॉट आएगा, आर नॉट टी वन, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ आर वन माइनस आर नॉट, अगर मैं इक्वेशन नंबर वन से देखूं आर वन माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अल्फा नॉट आर नॉट इन टू टी वन, यहां पे पुट करिए, तो अल्फा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अल्फा नॉट आर नॉट टी वन डिवाइड बाई आर वन टी वन, टी वन के साथ टी वन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा नॉट आर नॉट डिवाइड बाई आर वन, और आर वन की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, इसकी वैल्यू फिर इस इक्वेशन में रखिए, तो अल्फा वन की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, पुट करिए अल्फा नॉट आर नॉट डिवाइड बाई आर वन, आर वन की वैल्यू ये पूरी पुट करिए भाई, आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट टी वन, आर नॉट के साथ आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे अल्फा वन मिल जाएगा भाई कितना, अल्फा नॉट डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा नॉट टी वन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर तीन आ गया, क्लियर। आगे देखिए फर्दर, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ओके अल्फा वन की वैल्यू मेरे पास आ गई, अगर मैं वन डिवाइड बाय अल्फा वन की वैल्यू निकालूं, ये क्या आएगा वन प्लस अल्फा नॉट टी वन डिवाइड बाय अल्फा नॉट, क्लियर। ये भी इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर हो गया, क्लियर। अगर इफ इनिशियल टेम्परेचर इज, अगर मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास टी वन होता, जैसे मैं पहले डेरिवेशन की स्टार्टिंग में मैं इनिशियल टेम्परेचर कितना लेके चला था भाई जीरो डिग्री, इसके बाद मैंने टेम्परेचर कितना राइज किया टी टू तक किया, अगर इनिशियल टेम्परेचर इज टी वन होता टी वन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर राइज टू टी टू डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में भाई जो मेरे पास आंसर आना था यहाँ पे आ जाता वन डिवाइड बाई अल्फा टू वन प्लस अल्फा वन इन टू, सॉरी अल्फा नॉट ही रहेगा यहाँ पे, आप सॉल्व कर लेना, नीचे भी कितना रहेगा अल्फा नॉट ही रहेगा, क्लियर है पॉइंट। जे मेरे पास और जे मेरे पास इक्वेशन नंबर पाँच होगी, अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ मीन्स वन डिवाइड बाई अल्फा टू माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा वन, इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, पाँच नंबर इक्वेशन से माइनस कर रहा हूँ चार नंबर इक्वेशन, तो क्या बचेगा भाई वन प्लस अल्फा नॉट टी टू, अल्फा नॉट दोनों में कॉमन है, चलो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ भाई, माइनस वन प्लस अल्फा नॉट टी वन डिवाइड बाई अल्फा नॉट, क्लियर है पॉइंट। तो वन डिवाइड बाई अल्फा टू माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा वन, एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फा नॉट वन प्लस अल्फा नॉट टी टू माइनस वन माइनस अल्फा नॉट टी वन, वन के साथ वन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा नॉट के साथ अल्फा नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा टी टू माइनस टी वन, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ वन डिवाइड बाई अल्फा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी वन डिवाइड बाई अल्फा वन प्लस टी टू माइनस टी वन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब इस पूरे लेक्चर की समरी लिखते हैं, ठीक है, समरी में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। तो अल्फा टू क्या होगा भाई, अल्फा टू इज द कोफिशिएंट ऑफ, अल्फा टू मेरा क्या होगा भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किस टेम्परेचर पे होगा एट टेम्परेचर टी टू डिग्री सेल्सियस, क्लियर है पॉइंट। तो टी टू डिग्री सेल्सियस पे मेरा जे हुआ, क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से समरी, देखिए समरी ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमने देखा
जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मींस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अलॉय के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा लेकिन कितना, नेग्लिजिबल इंक्रीज करेगा, क्लियर, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन जो आपका इंसुलेटर था, इंसुलेटर हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, इस केस में आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा, मींस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव का मतलब क्या भाई, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। फिर दूसरे केस में हमने ये देखा था, मान लीजिए आर नॉट है आपका रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को राइज कर दिया अप टू T1 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे T1 पे ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे R1, और उसकी जो वैल्यू होगी राजे वो होगी आर नॉट 1 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कितना है भाई 0 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज करेंगे अल्फा नॉट T1, क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जी है, तीसरा पॉइंट ये है, इफ इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए मेरे पास टी इज इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस है और मैंने टेम्परेचर को भाई राइज कर दिया, राइज करने के बाद कहाँ पे ले गया T2 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे R2 की वैल्यू बताइए। तो अगर ये टेम्परेचर T1 है इसके ऊपर रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा R1 और T2 पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, R2 हो जाएगा मेरा R1, जैसे ये देखो R1 यहाँ पे पहले R0 था, तो पहले यहाँ पे कितनी है R1 है, तो 1 प्लस अब T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे अल्फा कौन सा यूज करेंगे, अल्फा 1, इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो अल्फा आपका यहाँ पे यूज होगा, क्लियर है पॉइंट। और टेम्परेचर मेरा कितना T1 से राइज होकर कितना हो गया T2, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है T2 हो गया, पहले कितना था T1, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे T2 माइनस T1 से, क्लियर है पॉइंट। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे समरी के पॉइंट आपको भाई रिमेंबर होने चाहिए, क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ये दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और उससे बाद टेम्परेचर कोई अनदर राइज हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पहले गिवन होगा आपकी मान लीजिए रेजिस्टेंस 10 डिग्री पे इतनी है तो 25 डिग्री बाद बताइए रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2, यहां पे दो टेम्परेचर हो T1 और T2 10 और 15, अगर 0 और समथिंग एल्स है, 0 से लेके मान लीजिए 25 हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होकर, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्लियर है भाई पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए मेरा टेम्परेचर T1 था और उस पर मेरा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो अल्फा 1 था, अब टेम्परेचर मेरा क्या हो गया इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद कहाँ पर पहुँच गया T2 पे पहुँच गया, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा भाई अल्फा 2, तो अल्फा में क्या चेंज आया होगा वो मुझे बताएगा जे वाला फॉर्मूला। तो जे वाला फॉर्मूला अभी देखा था, 1/α2 इज इक्वल टू 1/α1 T2 माइनस T1, समझ पा रहे हो पॉइंट। तो जे भाई इस लेक्चर की समरी थी, तो इन पॉइंट को आपने रिमेंबर रखना है, तो इसके क्वेश्चन भी देखेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा थ्रेटिकल कंटेंट कवर कर ली, इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर के, क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।